हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो आने वाली है इसमें हम करेंगे कंपैरिजन AWM का और कार 98 का। तो जैसे ही मैंने ये कहा कि आप लोग भाई सोचोगे कि भाई AWM और कार 98 का तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं, क्योंकि AWM तो ड्रॉप में मिलती है और वो कार 98 तो वैसे पड़ी हुई मिल जाती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कार 98 AWM से बेस्ट है। वो कैसे बेस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। सबके वीडियो को डिसलाइक मत करना अभी तक, मतलब इस बात को सुनकर कि AWM जो है वो मतलब कार 98 उससे बेस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बेस्ट है कार 98। तो मैं अब आपको AWM का दिखा रहा हूँ गेम प्ले। तो दोस्तों देख सकते हो कि AWM का गेम प्ले में मैं जहाँ पे सीधी गोली मारूँगा ना, बिल्कुल अगर सीधी लगेगी तब ही बंदा मरेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो नहीं चलेगा। आपकी सेटिंग में एक ऑप्शन होता है, सबसे पहले आता है क्या एक डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद प्रिसाइज ऑन स्कोप, और उसके बाद फुल कंट्रोल। वो क्या चीज़ है वो भी आपको बता देता हूँ। वो है कि आपको मतलब डिफ़ॉल्ट अगर करोगे तो आपका कोई भी गन होगी, असॉल्ट राइफल होगी, SMG होगी, या कुछ भी गन होगी स्नाइपर्स के अलावा, ये जो स्नाइपर्स हैं AWM और कार 98 के, ये बोल्ट एक्शन स्नाइपर्स कहलाती हैं, इनके अलावा ठीक है, जो दूसरी स्नाइपर्स हैं ऑटो में चलती हैं या फिर, तो वो वाली क्या हो गया, जहाँ भी बंदा मतलब बंदे के थोड़ा सा आसपास भी गोली मारोगे तो सीधी बंदे के जाके लगेगी, ठीक है ना। तो बंदे को जाके सीधी लगेगी। और उसके बाद होता है प्रिसाइजन स्कोप। प्रिसाइजन स्कोप में होता है वैसे नॉर्मल की तरह गन की तरह चलती रहेगी जैसे मतलब ऑटो में होता है, लेकिन जब आप स्कोप करोगे तो आपको जैसे रियल में होता है कि बिल्कुल निशाने पे मारनी है गोली तभी लगेगी। और एक तीसरा होता है फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल में क्या होता है, जहाँ पे आपने गोली रख के मारनी है वहीं पे लगेगी, थोड़ी सी इधर उधर भी गोली गई तो बंदे को नहीं लगेगी, ठीक है। अब ये बताने के बाद मेरा इसका मकसद क्या था वो आपको बता देता हूँ। ये बंदा लेटा हुआ है, मैं थोड़ा सा इधर उधर गोलियाँ चला रहा हूँ, उसके ऊपर नहीं लग रही क्योंकि मैं इसके इधर उधर मार रहा हूँ, ठीक है, सीधा इसको नहीं मार रहा, इसको नहीं लगी। अगर AWM में ये फंक्शन नहीं होता कि आपको मतलब जी यहाँ पे गोली मारोगे सीधा आपकी वहीं पे गोली लगेगी, ठीक है, उसके इधर उधर वो आपको एम असिस्ट नहीं देगा। लेकिन कार 98 अगर आप यूज़ करते हो तो कार 98 का खुद का एम असिस्ट AWM से बेटर है। तो जब आप बायोमेट्रिक स्कोप उसके साथ लगाओगे तो उसके बाद भाई वो कतई जहर हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कार 98 का। कार 98 का क्या मतलब, हर गोली जो है सीधी जाके बंदे को लगती है। अभी मैंने एक मारी इस बंदे को लगी, वो भाग गया, शायद मर गया, कुछ भी हो गया। बंदा जितना भी दूर हो भाई, मैं स्कोप नहीं ट्रेनिंग मोड में ओपन करा, देखो ऊपर है बंदा, मैंने थोड़ा सा देखा, उसके बाद मारी, इसको लगी, जो गोली मारता हूँ सीधी जाके लगती है, कोई हैक लगा नहीं रखी। आप भी जाके चेक कर सकते हो ट्रेनिंग मोड में, ठीक है। तो बंदे को मतलब ऐसे चल रहा है ना जैसे AK चल रही होती है, थोड़ा बहुत इधर लग गया कोई मसला नहीं, कोई एक शॉट भी आपकी मिस नहीं होगी। AWM के आप दो मारोगे ठीक है, एक गोली में चलो मार गया, मैं मान लेता हूँ 300 का डैमेज हुआ है, कभी 150 को होता है, कभी 300, वेस्ट हेलमेट ना हो बंदा नज़दीक हो तो 300 का होता है, मैं हमने मान लिया कि 300 का हमेशा होता है, ठीक है। और इसका कार 98 का होता है 63 होता है, और कभी 176 होता है। तो ये देखो 176 और उसके बाद 63, ठीक है। तो मतलब मान लिया कि दो गोली में कार 98 के बंदा मारेगा, ठीक है। तो AWM की आप 10 मारोगे और आपकी गोली नहीं लगेगी, इधर उधर मारते रहोगे, जबकि कार 98 की दो मारोगे और दो की दो सीधी लगेगी। अगर आपके पास डबल कार 98 है ना तो भाई कोई भी नहीं मार सकता। देखो कोई हैक नहीं लगा रखी मैंने, ठीक है ना, आप ये समझो कि हैक लगा रखी है। जितना दूर भी मैं मारता हूँ बंदे को जाके लगती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बंदा वहाँ पे बैठा है और मैं मतलब यहाँ से मारता रहूँगा कि कमरे के अंदर जाके लगेगी उसके, मतलब थोड़ा सा जैसे AWM दूसरी गन्स का होता है, क्या नाम है, स्कार्स वगैरह का, इसी तरह का ये इसके अंदर भी वही सीन है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपका मतलब ये कार 98 आपको एम असिस्ट बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है, मतलब आपकी गोली जो है सीधी जाके बंदे को लगेगी ही लगेगी। तो ये दोस्तों देख सकते हो कि मतलब जो गोली मैं मारता हूँ ना सीधी जाके लगती है, गोली के मिस होने का चांस ही नहीं है। राइट में मारूँ लेफ्ट में मारूँ बंदे को लगेगी ही लगेगी। अगर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप डबल कार 98 रैंक में भी यूज़ करोगे और आप जीतोगे, ठीक है ना, आप हारने वाले नहीं हो। आपको AK से ज़्यादा मतलब स्कार से ज़्यादा आपको मिलेगा। शॉर्ट रेंज में तो आप स्नाइपर डबल यूज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसमें एक SMG रखो और इसके साथ आप कार 98 में, अगर आपके पास बायोमेट्रिक स्कोप है तो भाई कुछ भी नहीं होगा, आपके सामने कोई बंदा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आपको इतना बेटर एम असिस्ट देती है और उसके साथ इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है। 176 का भी पड़ रहा है, शायद क्लासिक या रैंक में 63 का ही पड़ता है, लेकिन अगर आप मार लो एक दो उसको अच्छे वाली तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ख्याल रखना।